इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वर्किंग ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड में आप लीजिए एक पीएन जंक्शन डायोड, ये जंक्शन बाउंड्री है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है, इतना बड़ा नहीं होता पर हम बड़ा दिखा रहे हैं, ये पी साइड है और ये एन साइड है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है डिफ्यूजन की वजह से और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये दूसरे लेक्चर्स में हमने कवर किया है डिप्लीशन रीजन के लेक्चर्स से, देख सकते हैं, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने से बड़ा लेंथी हो जाएगा। ये है डिप्लीशन रीजन। फोटोडायोड का डिज़ाइन ऐसे होता है कि ये डिप्लीशन रीजन जहाँ पड़ता है यहाँ पे हम एक मानते हैं कि विंडो जैसा अपर्चर होता है सो दैट लाइट वहाँ पे फॉल कर सके। यहाँ पे हम विंडो है ट्रांसपेरेंट सो दैट यहाँ पे लाइट फॉल कर सके। ये मैं फिर से बना रहा हूँ, पी है, ये एन है। फोटोडायोड को हम हमेशा रिवर्स बायस करते हैं, पी को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायस में, एन को पॉजिटिव से। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। जब यहाँ पे लाइट फॉल करेगी, फोटोन जब यहाँ पे फॉल करेगा, उसमें एनर्जी है और उसकी एनर्जी जब जो एनर्जी बैंड में गैप है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो जब डायोड की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन ई जी है, जो एनर्जी गैप है, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इस रीजन में जो आपके ई एच पेयर्स क्रिएट होते हैं, ई एच पेयर्स जो आपके फोटोन्स की वजह से क्रिएट होते हैं, लाइट की एनर्जी की वजह से क्रिएट होते हैं। अब जब हमने इसमें बायस दिया हुआ है, रिवर्स बायस दिया हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और रिवर्स बायस में और बढ़ जाता है, तो ई एच पेयर्स पहले तो बनते हैं, दो स्टेप्स हैं, ये तो बने फॉर्मेशन और दूसरा होता है सेपरेशन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन तो इधर क्रॉस करेंगे जो इस रीजन में बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और फोटोन जाएंगे इधर, ये सॉरी होल्स जाएंगे इधर। इसकी वजह से करंट, चेंज इन करंट प्रोड्यूस होगा जो हम फोटोडायोड में चाहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपके एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, हम लिखते हैं यहाँ पे इसको पी साइड एन साइड लिख लीजिए, यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एन होल और यहाँ पे एन होल इज ग्रेटर देन एन इलेक्ट्रॉन। जब आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हुआ, मतलब डेल्टा एन ई और डेल्टा एन एच जो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, फोटोन जो आ रहे हैं उनसे वजह से जनरेट होता है, उसका नंबर बराबर होता है। तो अब आप देखिए एन साइड में डेल्टा एन ई अपॉन एन ई इज लेस देन डेल्टा एन एच अपॉन एन एच, क्योंकि एन ई बड़ा होता है। और इस साइड में आप देखिए डेल्टा एन एच अपॉन एन एच इज लेस देन डेल्टा एन ई अपॉन एन ई। रिवर्स बायस जब होता है तो करंट कैरी करते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स मीन्स यहाँ पे
होल्स माइनॉरिटी में है, होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी में है, तो रिवर्स बायस में ये होल्स का करंट होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स का करंट होता है। आप देखिए डेल्टा एन एच अपॉन एन एच इज ग्रेटर देन डेल्टा एन ई अपॉन एन ई, मतलब जो करंट होल्स की वजह से क्रिएट हुआ वो करंट, चेंज इन करंट जो होल की वजह से हुआ वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाले से ज़्यादा है, क्योंकि डेल्टा एन एच अपॉन एन एच इज ग्रेटर देन डेल्टा एन ई अपॉन एन ई। तो चेंज इन करंट होल्स की वजह से है, और होल्स वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन के चेंज इन करंट से ज़्यादा है। हम यही चाहते हैं, हम चेंज को मेजर करना चाहते हैं, कितना करंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिवर्स बायस में वैसे भी करंट कम होता है, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में होता है, लेकिन हमारा यहाँ प्राइमरी कंसर्न है जो चेंज होगा डेल्टा आई, करंट जो चेंज होगा, और यहाँ पे करंट हो रहा है होल की वजह से, तो होल की वजह से जो करंट का चेंज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट के चेंज से ज़्यादा है। और क्योंकि रिवर्स बायस में है मोस्टली करंट होल से होता है, इसलिए ज़्यादा नोटिसेबल है। सिमिलरली पी साइड में, पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। रिवर्स बायस में हमेशा माइनॉरिटी कैरियर्स करंट ट्रांसफ़र करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो पी साइड में देखिए माइनॉरिटी कैरियर्स का चेंज इज ग्रेटर देन द मेजॉरिटी कैरियर्स का चेंज। डेल्टा एन ई अपॉन एन ई जो है डेल्टा एन एच अपॉन एन एच से बड़ा है, तो चेंज जो है नोटिसेबल होगा, जो हम चाहते हैं। फोटो डायोड में हम चाहते हैं कि थोड़ा लाइट का इंटेंसिटी चेंज होने से हमें नोटिसेबल करंट चेंज मिले, इसीलिए इसको रिवर्स बायस में किया है, क्योंकि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स का करंट होता है और माइनॉरिटी कैरियर्स का चेंज जो है वो ज़्यादा नोटिसेबल है एज़ कम्पेयर टू मेजॉरिटी कैरियर्स। दोनों साइड देखिए माइनॉरिटी कैरियर्स का जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स से ज़्यादा नोटिसेबल है। पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर है, इनका चेंज ज़्यादा नोटिसेबल है। एन साइड में होल माइनॉरिटी कैरियर्स है, इनका चेंज ज़्यादा नोटिसेबल है, इसीलिए फोटोडायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं।